ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज की पांच बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। मुमरा बाईपास पर लगातार दो हादसे हुए हैं। पहला हादसा खड़ी मशीन के पास एक कार और टैंकर में टक्कर हो गई है, जिसमें कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इसी तरह से बाईपास टोल नाके के पास कंटेनर का ब्रेक फेल हो गया और डिवाइडर पर चढ़ गई, जिसके बाद चालक फरार हो गया, मगर इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पालघर जिले के वाड़ा परिसर में दो नकाबपोश चोरों ने IDBI बैंक के ATM में लूट की घटना को अंजाम दिया है। रात के अंधेरे में गैस कटर की मदद से ATM काटकर घटना को अंजाम दिया। CCTV कैमरे भी तोड़े, मगर फुटेज के आधार पर वाड़ा पुलिस जांच में जुट गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के कारण मरने वाले बच्चों की तादाद 83 तक पहुंच गई है। इस दिमागी बुखार की चपेट में लगातार मासूम बच्चे आ रहे हैं। बिहार का मुजफ्फरपुर सबसे ज़्यादा इस बीमारी की चपेट में है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से लेकर सभी नेता अस्पताल के दौरे पर। अहमदाबाद के बड़ोदरा एक्सप्रेसवे पर आनंद जिले के वासत के पास 56 यात्रियों को ले जा रही बस में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बस आनंद से मुंबई की तरफ आ रही थी। किसी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं है। मौके पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के मथुरा के अन्योर गांव में जमीन विवाद को लेकर प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। प्रॉपर्टी डीलर झम्मन चौधरी द्वारा जमीन पर निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान आरोपी दुर्गपाल ने झम्मन पर गोली चला दी और उसकी मौत हो गई। ये जनपद मथुरा में थाना गोवर्धन के अंतर्गत अन्योर गाँव पड़ता है। यहाँ के झम्मन चौधरी जी हैं, जिनका यहाँ पर खेत था और यहाँ एक धर्मशाला बन रहा, वहाँ वो बैठे थे। उसी समय दुर्गपाल सिंह, जो इनके पहले कभी पार्टनर भी रहे, इन्हीं जिनका कोई ज़मीनी प्रकरण भी चल रहा है, तो इन्होंने गोली मार कर इनकी गोली मार दिया। इनको घायल अस्पताल में अस्पताल ले जाया गया है और स्थिति इनकी नाजुक है। हमारे पास एक मरीज आया जिसका नाम झम्मन बताया जा रहा है, तो अभी उसको गोली लगी थी। जो रोहित शर्मा SI है वो लेकर आए हैं हमारे पास। अभी फिर हमने उनका सारा एग्जामिनेशन किया, सारे वाइटल्स लिए गए, BP, रेस्पिरेशन, सब कुछ, जिसमें कि ये पता चला कि वो वहाँ से ही डेड आए हैं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।